इसमें लगता है चूहा होगा आपका। साथियों कुछ ही देर पहले रेस्क्यू कॉल आया है। अच्छा आप ही लोग फोन किए थे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बोला कि टुनटुन के घर से बोल रहे हैं। हम लोग काम कर रहे थे, अरे भाई टुनटुन के पापा हैं घर में। भाई आपको तो पहले हमारे तरफ से सलाम, क्योंकि हम लोग एक दशक हाई स्कूल में गुजार दिया। आप आइए ना, अरे सांप तो तुरंत पकड़ा जाएगा। साथियों जितना लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे स्कूल से जुड़े हुए हाई स्कूल से, इनका चेहरा को एक बार देखिए। एक ऐसा ही जिंदा दिल इंसान, जब हम लोग को फांकी मारना होता था हाई स्कूल में तो इनसे पूछ लेते थे कि हम लोग उस साइड में आज फांकी मारेंगे। तो कहाँ सांप देख रहे हैं आप लोग? इसी में है? अच्छा इसके अंदर है क्या? इसम में? ना ना ना, इसमें इसमें इसमें। अच्छा इसमें है। बाघ उगने ना देख लिए हैं। चलिए देखा जाए कौन सा सांप है। कैसे पता चला कि इसके अंदर सांप घुसा हुआ है? हिल रहा था पूरा ना। अच्छा हिल रहा। देखिए देखिए सांप तो दिखे हुआ। अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, देखिए जब भी किसी को सांप काट लेना तो सीधे हम लोगों का पंचेत हॉस्पिटल जाना है, जहाँ एंटी वेनम है। चूंकि पंचेत हॉस्पिटल में इंजेक्शन रखा हुआ है, शायद किसी को नहीं मालूम होगा, पंचेत डीवीसी का किया है, अपना दो डॉक्टर को कलकत्ता में जाके ट्रेनिंग दिलवाया है और उस ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ इलाज होता है। इसीलिए यही है एंटी वेनम सीरम एबीएस, और ये मल्टी एबीएस है। क्योंकि कोई भी स्नेक बाइट हो जाए ना, जहरीला सांप, तो आपका ब्लड रिपोर्ट बता देगा कि कौन सा सांप बाइट किया है। जी जी, पहले ही सब नहीं था, अभी आधुनिक युग में अभी वीडियो कॉलिंग का फैसिलिटी है, कौन कहाँ है नहीं है तुरंत पता चल जाता है। इसी में सांप जाएगा। ये ढामन सांप है सर, और काफी बिग साइज है। इसमें लगता है चूहा होगा आपका। चूहे के पीछे पीछे आया है, देख रहे हैं चूहे के। हाँ, ढामन होता है ना, ये बिना जहर वाला सांप होता है। अंधविश्वासी लोग आज भी गांव का कहते हैं कि इसका पूंछ से अगर मार दिया जाए तो सड़ने गलने लगेगा। ये बिल्कुल मिथक है सर। नहीं, इसमें कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता है, क्योंकि सांपों का पेट में दूध हजम करने का इंजाइम नहीं। क्या नहीं है? इंजाइम। इसीलिए नागपंचमी मनसा पूजा में सांप के मुंह में दूध ना डाल दें। अगर दो चार बूंद भी अगर पेट में चला गया तो सांप को क्या होगा? वोमिटिंग, निमोनिया, बुखार और डेथ। इसे हिंदी में ढामन, बंगला में दड़ास, इंग्लिश में इंडियन रेड स्नैक, जो बिना जहर वाला होता है। ये जो है सर, ये किसान का सच्चा साथी है। क्यों? कि ये चूहों को कम करता है। आप ज्यादा संख्या में सांप मारोगे, चूहों का संख्या बढ़ जाएगा। इको बैलेंस सिस्टम, देखिए हवा में जीभ को निकाल रहा है और जीभ से रेडिएशन, वाइब्रेशन, ध्वनि तरंग, वायु तरंग को ये फील कर ले रहा है। ये थोड़ा सा भी जहरीला नहीं है, लेकिन इसका जो नेचर है इस तरह है कि लोग डर जाते हैं। और झारखंड में लगभग तीन चार कलर की पर सांप पाई जाती है ढामन में। एक देखिएगा, इसी में ही येलो होगा, एक ब्राउन होगा, एक ब्लैक में होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सांप का पैर होता है, ये भी बिल्कुल मिथक है। देखिए ये स्केल है ना, हाँ, ये जब जमीन में टच करेगा तो ये रेंगता है। हम चाहेंगे कि आज इस मंच पर आप भी थोड़ा हमारे साथ पकड़िए, ताकि कुछ हमारे दोस्त हैं जो खास करके 86-87 के दशक में हम लोग, वो लोग आते रहते हैं हमारे पास, जैसे कि पीबीएन लाल इस दुनिया में नहीं रहे, हिंदी के टीचर थे, उनका बेटा आता रहता है।
अलकमा वो अभी शायद कुवैत में है, वो भी इस वीडियो को देखेगा। पकड़िए, हमारे यहाँ ठहरा हुआ था, पकड़िए। सांप पकड़ना बहुत आसान है, देखिए ये हथकड़ी की तरह किस तरह लगा देता है। और एक बार ध्यान से सुनिएगा, सांप अगर काट ले तो भूल से ओझा गुनी झाड़ फूक मौलवी मलोना का चक्कर में ना रहें, और नहीं तो मारा जाइएगा। हम ऐसे वक्त से जी रहे हैं, हम ऐसे वक्त से जी रहे हैं जहां नाटक देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर लोग कहते हैं कि सब नाटक है। ये बिल्कुल जहरीला नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें जहर नहीं है। किसी को अगर इच्छा हो छूने का तो आकर के जरा छू कर देख सकते हैं कि आखिर क्या चीज है। आ जाओ, आओ, तुमको मन है हम सिखाएं तुमको। ऐसा थोड़ा है, आदमी पकड़ना बहुत टफ है, सांप पकड़ना बहुत इजी है। रुक बे, ऐसे ही पकड़ो, अबे मुंह पकड़, अरे अभी एजीएमसी दे देता हूँ। जियो मेरे से, अरे अरे मुबारक ये थोड़ा। एक गाना बंद कर, ये देखिए बिना जहर वाला है, ये अगर सीखता है तो क्या होगा, बचेगा। लोग मारेंगे नहीं बल्कि इनको बुलाएंगे और पकड़वाएंगे। हाँ हाँ, ये डार्क है, इसमें चला जाएगा ये। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खास करके चॉकलेट का जार में सांप को डाल देते हैं। आए दिन हमारे भारत में दुर्घटना होती है, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई है आज हमारे आंख के सामने। विक्रम सिंह मलूड वर्ल्ड का बहुत बड़ा चैंपियन था, वो भी स्नैक बाइट से मरे हैं, और भी बहुत सारे महारथी मरे हैं। मेरा कहने का उद्देश्य है कि अगर जहरीला सांप है तो आप उपकरण यंत्र है, पढ़ने के लिए कलम है, सांप पकड़ने मत सीखिए। अपना बेटा बेटी को आईएएस आईएफएस आईपीएस बनाने का सपना देखिए कि मेरा भी घर का बेटा बेटी 10-20 को बॉडीगार्ड मिलेगा गवर्नमेंट का, वो नौकरी करवाइए। ये क्या नौकरी है कि भाई, क्या सर गलत बोल रहे हैं? नहीं, नहीं। हमारे पापा जो थे, हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, वो एक अंगूठा छाप थे, अंगूठा से ही उनका हर काम करता था। लेकिन आज हमारे घर में हमारी बहन है, कुछ भी नहीं तो स्कूल की हेडमास्टर है, 80,000 रुपया सैलरी है महीना। हम खुद यूट्यूबर हैं, और भी हमारे बड़े भाई हैं जो इंजीनियर हैं। तो शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, एक टाइम मत खाइए, अपना बेटा बेटी को शिक्षा से जोड़िए, और शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। शिक्षा है तो हर चीज है। चलिए इन्हीं साफ शब्दों के साथ इधर आओ, इधर आओ, यहाँ सामने आओ। हर बेटियों का सम्मान करें, बेटी है तो देश है, हर बेटियों की सुरक्षा इस देश की सुरक्षा। जय हिंद, जय भारत, और थोड़ा वंदे मातरम बोलिए वहाँ, वंदे मातरम। वाह वाह, बहुत सुंदर।